Our next question is question number 12, and the question is: Ashok and Ravi were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:3. So can I say that ये old ratio है? ये क्या हो गया? Old ratio, right? इसके बाद next information जो given है आपको, वो क्या given है? They admitted Chandler as a new partner. Okay. The new profit sharing ratio between Ashok, Ravi and Chandler will be 2:2:1. तो ये हमारे पास क्या आ गया? न्यू रेशियो. ये आ गया न्यू रेशियो. इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? दैट इज चंदेर ब्रॉट ₹24,000 फॉर हिज शेयर ऑफ हिज गुडविल. ठीक है. कैलकुलेट द अमाउंट रवि कंपेंसेट टू द अशोक शेयर इन द अबाउट ट्रांजेक्शन. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा. यही करोगे? ठीक है. तो रवि कंपेंसेट टू अशोक, तो देखो सबसे पहले अशोक, तो आपने लिखा अशोक, फिर उसके बाद क्या है? रवि. तो अगर मैं अशोक का ओल्ड रेशियो की, ओल्ड शेयर की बात करता हूं, तो अशोक का ओल्ड शेयर कितना है? 7.10. और अगर मैं अशोक के न्यू शेयर की बात करता हूं, तो न्यू शेयर इसका कितना है? 2/5. ये क्लियर हो गया. और रवि, रवि की अगर मैं ओल्ड शेयर की बात करता हूं, तो ये है 3/10. और रवि का न्यू शेयर कितना है? ये है 2/5. तो देखो अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, तो 7/10 - 2/5, तो एलसीएम क्या होगा? 10. तो ये हो गया 7, 5 2 10, ये हो गया 3/10. तो ये आ गया आपका 3/10. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो गया आपका 3/10 - 2/5, तो आपका एलसीएम आएगा 10. तो 3, 5 2 10, तो ये आ रहा है -1/10. ये आ गया -1/10. इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है. अब आप ये देखो कि रवि जो है, कहने से दैट रवि यहां पर गेन कर रहा है, बिकॉज इसका जो शेयर है वो किस पर आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है. तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो चंदेर जो 24,000 लेके आया, और चंदेर का शेयर कितना है? 1/5. तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकेट कर दूंगा, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 0,00,54 + 20, ये आ गया 1,20,000. ये फर्म की गुडविल आ गई. ठीक है. अब रवि कितना कंपेंसेट करेगा, ये आपको निकालना है. तो 1,20,000 का 1/10 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12,000. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो कैन आई से दैट ये आपका ओल्ड शेयर है, 2:1 ओल्ड शेयर है, राइट. इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, दैट इज रमेश कैपिटल इज 1,02,000 एंड सुरेश कैपिटल इज 73,000. ओके. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज दे एडमिट महेश एंड एग्री टू गिव यू 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गिवन है कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना है, दैट इज 1/5 शेयर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है, दैट इज महेश ब्रिंग 14,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. ओके. He agreed to contribute capital in the new profit sharing ratio. How much capital will be brought by Mahesh? इसमें सबसे पहला स्टेप तो आप ये समझो. देखो ये आपका ओल्ड शेयर है, ये आपका न्यू पार्टनर का शेयर है. तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करते थे, तो हम कुछ ऐसे लिखते थे ना, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, यस और नो? लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1. फिर हम क्या लिखते थे? रिमेनिंग शेयर. अब देखो महेश का शेयर 1/5 है, तो अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि अब इन दोनों का शेयर कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 1 - 1/5. भाई 1 में से 1/5 तो महेश को दे दिया, अब कितना शेयर रह गया? 4/5. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब ये जो शेयर है, ये क्या है? ये कंबाइंड शेयर है, कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ रमेश
एंड महेश। बोलो भाई क्लियर है? यस रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, ये क्लियर हो गया। और रमेश और सुरेश की आपके पास कैपिटल भी है, कितनी है रमेश की? कितनी है? 1 लाख, 1,02,000। और इसकी कितनी है? 73,000। तो अगर मैं कंबाइंड कैपिटल की बात करता हूं, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रमेश एंड सुरेश, तो कैन यू से दैट 1,75,000, 1,02,000 और 73,000, यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं न्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, तो आप ये कहोगे ना 1,75,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल 5/4, यस और नो? इसमें कोई दिक्कत? अब मुझे किसका शेयर निकालना है कि महेश कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो इंटू महेश का शेयर कर दो, दैट इज 1/5। बोलो भाई क्लियर है? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 5 तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20, 4 3 7 5 0 है ऑप्शन में, ठीक है? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।